राम 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 राम। दादा अभी काय कर रहे तुम? आरवी रे टी गार्ड बनाई हो। अच्छा टी गार्ड बनाई? हाँ। तो ये टी गार्ड क्या है? ये लकड़ी को ढांचो बनाई रखिया है, मतलब जो के विक में चना में बना के बांधा तो गाड़ दा तुम का ऊपर, मतलब चिड़िया आइन बैठेगी, चिड़िया आके बैठेगी तो चना में देखेगी कि इल्लड़ कहाँ है। अच्छा। तो इल्लड़ हुआ दिखी जाएगी तो वो यहाँ से उड़ के इल्लड़ खाने के लिए जाएगी। काका हाँ। तो ये टी गार्ड तो ये दो लकड़ी होगी और एक दोरी है काका। हाँ तो हमको बनाइन बताओगे? हाँ बनाइन बता जाऊंगा हम काका। हाँ सबसे पहले काय करे? सबसे पहले बड़ी लकड़ी ला जिका बाद में छोटी आड़ी बांधना। अच्छा। तो बांध के मतलब रखा, चिड़िया बैठेगी। हाँ तो फसल से कतरे ऊपर? नहीं, डेढ़ फीट से ज्यादा अंदर नहीं कर सकता। डेढ़ फीट से ज्यादा अंदर करांगा तो ये चिड़िया होने के इल्लेंड नहीं दिखेगी। तो जिससे मतलब ज्यादा छोटी भी नहीं कर सकता। हाँ। वो छोटी करांगा तो पास पास में की बीड़ेगी, दूर से नहीं दिखेगी। मतलब ज्यादा ऊंची कर देगा तो बहुत बहुत दूर की मतलब नहीं दिखेगी। तो चिड़िया के मतलब वो गड़ी तो डेढ़ फीट से ऊपर नहीं होनी। अपन फसल से ज्यादा ऊपर कर सकता कि नहीं? तो फसल से इतने अंदर रहना चाहिए। अच्छा इतो? हाँ नहीं तो एकता में फिर चिड़िया होने बैठेगी तो जब दिखेगी वो। हाँ। तो फसल से इतना अंदर होनी, इतने फसल से इतने अंदर लगाना चाहिए। तो काका इन्हें टी गार्ड का मतलब किन किन फसल में लगा सकता? सभी दाल की चीज मतलब होता है, जो चने में लगा सकता है, वो मतलब उड़द में लगा सकता है, चौड़े में लगा सकता है, लाल तुअर में लगा सकता है, सभी चीज में मतलब दाल के लिए है। वो जहाँ जहाँ में ज्यादा इल्लड़ पड़ी रही तो उसमें सब में ये लगा सकते हैं। काका हाँ तो एक बीघा में कितना टी गार्ड लगा? एक बीघा में चार या पांच लगा दो।